मेरा नाम गिरजेश और मुझे मुंबई में सब लिविंग स्टैचू के नाम से जानते हैं. सब मुझे गोल्डन मैन स्टैचू ये नाम जानते हैं, बाकी असली नाम बहुत कम लोगों को पता है. मेरा असली फेस भी बहुत कम लोगों को ही पता है. जब मुझे एक्टर बनने का शौक चढ़ा, मैं बोला मुंबई जाऊंगा. मुंबई कैसे जाएगा तू? जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, बस मुंबई समुंदर है, वहाँ पर ऑडिशन ज़्यादा होते हैं. तो मैंने माँ से एक झूठ बोला, वहाँ पे सिक्योरिटी का काम करूँगा. गेहूँ बेचकर मैंने अपना टिकट का पैसा निकाला था. ट्रेन से उतरा तो मुझे वहाँ मेरी औकात पता चल गई, क्योंकि वहाँ सब हाई फाई. और तो मैं जब ऑटो पकड़ने गया ना, तो वहाँ का रिक्शा के भाड़ा ही मुझे बता दिया कि मेरी औकात क्या है. मैं एक रात मतलब स्टेशन पर गुजारा भी था. तो यहाँ पे भीड़ भाड़ में देख रहा हूँ, बाद में मुझे लगने लगा कि मुंबई बहुत खतरनाक है, यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, कुछ नहीं. तो मैं बोला ठीक है, मैं फिल्म इंडस्ट्री में करता हूँ ना, अंधेरी, बांद्रा, बाद में बहुत जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हाउस है पूरा ढूंढ रहा था मैं. फिल्म सिटी सुना कि गोरेगांव में फिल्म सिटी है, वो हिसाब से एक बंदा मिला. तो बंदे ने मुझे बोला कि ये काम करो, तुम 100 रुपये मुझे दे दो, काम मिल जाएगा. मैं बोला किसका क्या काम है? बोले ऑडियंस का. तो मैं बोला ठीक है, मैं करूँगा. 8 बजे से दोपहर को 1 बजे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ता था शूट के लिए, 1 बजे तक. उसमें सिलेक्शन होता था, मैं बहुत ज़्यादा अनसेलेक्ट होता था. मुझे लगा कि इसमें मेरा चल नहीं पाएगा, कुछ टेक्निकली सीखना है मुझे. कैमरा अटेंडेंट ज्वाइन किया, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करता था. आर्टिस्ट को देखता था तो ऐसे देखते 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 मतलब कैमरा बोलते थे कि कैमरा का एंगल चेंज करना, उधर रख, केबल लपेटना है. उसमें 6 महीना बीता, करते करते बाद में मुझे कंटाला आने लगा, मुझे भी एक्टर ही बनना है और मैं एक्टर से रिलेटेड काम नहीं कर रहा हूँ. सोचा ठीक है, कुछ हटके करना है. अगर अब दोबारा कुछ कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ या फिर लोगों का दिल जीतना उसके लिए कर रहा हूँ, तो कुछ हटके करना है. मुझे फनी वीडियो में ही स्टैचू का काम दिखा, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया. तो पहले मैंने एक शर्ट को पेंट किया. शर्ट को जब मैंने पेंट किया कि अगर तुम कुछ करने जा रहे हो तो जमाना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, कुछ अलग करने जा रहे हो, दोस्त लोगों का ताना मारना शुरू. स्टार्टिंग में तो उनको लगा क्या कर रहा है, क्यों शर्ट खराब क्यों कर गया. मेरे अंदर बहुत फीलिंग गलत हो गई कि क्या कर रहा हूँ मैं भी. उसके बाद मैंने प्लान बना ही लिया कि मुझे यही करना है. घर से बैग उठाया और कुछ भी मतलब घर पर उतना ट्रायल भी नहीं किया कि मेकअप ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, ये कुछ नहीं. स्टैचू का जो जो इक्विपमेंट रहेगा सब लिया, जाके डायरेक्ट गेट ऑफ इंडिया मैंने किया. तो वहाँ पे मैं रोड पे ही मैं पहले मेकअप शुरू किया. अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगा, क्या करो इधर उधर, ऐसा मेरा गलत थिंकिंग था. मैं मेकअप वेकअप जब कर रहा हूँ तो कुछ भीड़ नहीं लगा. जब मैं वहाँ परफॉर्म करने गया तो मुझे तब फील हुआ, ओ मैं क्या ग्रेट काम कर रहा हूँ. फिर भीड़ लगना शुरू, अब भीड़ लगना शुरू हो गया तो क्या है, पुलिस का फंडा. पुलिस आई, मुझे वहाँ से उठा के ले गई. उस समय मुझे बहुत बैड फीलिंग हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे, सर सर बोल रहे थे, और उनके ही सामने मुझे पुलिस उठा कर ले जा रही है. पुलिस वाले ने भी मुझे यही बोला कि तू भीख मांग रहा है. और उस दिन का मेरा एक्सपीरियंस क्या था, घर पर आके मैं अकेला नहीं गिना पैसा, जितने रूम के बंदे थे सबको मैं बोला ये लो गिनो भाई. 800 रुपया मेरा 1.5 घंटे में हुआ. तो मैं उस दिन बहुत सीटी बजाया, तो वहाँ से मैं चेंज किया आज़ाद मैदान चर्च गेट. 1.5 महीना तक किया, सिर्फ अपना टोपी, स्टैचू का टोपी लगा कर जाऊँ तो मुझे रास्ते में 50 लोग मिल जाएंगे पहचानने वाले कि हेलो सर कैसे हो. करते करते बाद में आया अपना बैंडस्टैंड. तो बैंडस्टैंड में मैंने स्टार्टिंग किया कि अर्निंग पर्पस के लिए करता था, बाकी अपना मन में था कि वो ये टैलेंट है, ये आर्ट है, ये आर्ट को मैं परफॉर्म करूंगा. और क्योंकि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, हेलो सर कैन वी टेक पिक्चर विथ यू प्लीज, ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे करके पोज देता हूँ, ठीक है, ऐसे देखते रहते, वो मेरे तरफ देखते रहते फुल कॉन्सेंट्रेशन से, ऐसे बस इतना ही करता हूँ, उनका हंसी छूट जाती है तो बहुत अच्छा लगता लोगों को ये काम. 4 लोग फ्रेंड थे,
तो एक लड़की ने मेरे पर बेट लगाया, वो पुतला ही है, आदमी नहीं है। वो लड़का बोल रहा था नहीं आदमी है, वो लड़की बोल रही थी नहीं पुतला है। दोनों 5,000 का बेट लगाए थे और हुआ लड़का जीता। आए हाथ मिलाए, मैं हाथ मिला दिया। तो कभी कभी मुझे नेगेटिविटी का भी फेस करना पड़ता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी, वो ड्रंक थी। तुमको कोई काम नहीं है? अरे तुम 21 साल के हो, तुमको पता नहीं चला तुम ये क्या कर रहे हो? ये गोलक गोलक रखे क्या, कलेक्शन बॉक्स क्या रखे हो ये सब? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक है अभी छोड़ के मैं हट जाऊं, पर नहीं, मैं हटा नहीं। गलत ही फील होता, मतलब अंदर से रोना भी आ रहा था पर रोया नहीं। पर मैं रोया कब, ऊपर वाले ने रोने का टाइम भी दिया, वो भी खुशी की आंसू थी। आधा एक घंटा बीता, एक आदमी आया, वो उस आदमी ने मेरे साथ फोटो किए, फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद मेरा पहुंच हुआ, मीन्स स्टैचू का, एक कलाकार का, एक आर्टिस्ट का। उस बंदे ने क्या कहा कि कलाकार को मैं भगवान मानता हूँ। खुशी की आंसू, मुझे अंदर रहा नहीं गया, मैं बहुत बौखला गया। मैं जो भी हो, कोई भी आर्ट हो, आर्ट को मैं जितना प्यार दे रहा हूँ उतना प्यार मुझे जनता से मिलेगा, उतना प्यार पब्लिक से मिलेगा, ये बात सच है। रोज लोग, सैकड़ों लोग फोटो खींचते हैं मेरे साथ, तो 25 या 20 तो फेसबुक पे अपलोड होते ही होंगे, तो वो हिसाब से पॉपुलरिटी, वो हिसाब से मेरा बढ़ रहा है। लोगों का बहुत प्यार मिलता है, अगर कुछ करो ना तो लोग बहुत सपोर्ट देते हैं। तो तुम अगर कुछ अलग करो तो तुम्हें सपोर्ट करने वाले भी कम नहीं है इधर। मुंबई में आकर कितने लोग बड़े बड़े, बाद में TV9 पे आया, क्या न्यूज़पेपर में आया, उसके बाद मुझे मुंबई प्यारा लगने लगा। किसी का नौकर बनने से बढ़िया खुद का एक छोटा मालिक बन जाओ, ये सबसे बेस्ट है। मतलब जीत जाओगे, खुद को जीत जाओगे तुम। जब खुद से कोई डिसीजन लोगे ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, जो भी सोचो बड़ा सोचो। क्योंकि मैंने भी कभी सोचा था कि मैं लोगों का दिल जीतूंगा, लोगों के साथ सेल्फी दूंगा, ऑटोग्राफ दूंगा एक्टर के तौर पे। पर वही हुआ, लोगों के साथ सेल्फी देता हूँ, लोगों का दिल जीतता हूँ, बहुत लोग मुझसे खुश होते हैं, पर स्टैचू बन गया। लोग पैसे के लिए भागते हैं, मैं पैसे के लिए खड़ा रहता हूँ।